नमस्ते प्रणाम, कैसे हैं आप सब। मैं आपका भाई शुभम और मेरे चैनल में आपका बहुत स्वागत है। गुड मॉर्निंग है सबको। भाभी का एक और इंटरव्यू आया है, मैंने देखा लिया किसने, वही चश्मैला। अब देखिए इसको तो देख रहे हैं तो मेरा दिमाग खराब हो रहा है। अभी केस फौजदारी का मामला चल रहा है कि अक्षरा सिंह ने केस कर दिया फलाना फलाना यूट्यूबर्स पे जो उनके खिलाफ बोलते हैं। बहुत सारी चीजें हो रही हैं, तो हिंगरा खिलाफ केस करिए, ये चश्मैलू के खिलाफ। इसका भी वीडियो मैंने रखा है, शायद इसने वीडियो डिलीट कर लिया था लेकिन हम लोगों ने डाउनलोड करके रखा हुआ है। तो तारा खिलाफ के एक्शन ली, तुम बोलते हो कि ये पवन सिंह रंगीन मिजाज के आदमी है, मतलब क्या क्या बोलना चाहते हो। पवन सिंह रंगीन मिजाज के आदमी है ना, मर्द है, घंटा का स्टार है, जनरेटर है, एक बीवी को मार दिया, एक बीवी को भगा दिया, ये सब तुमने बोला है, ऐसा बातें मैंने रखी है, इतना याद रखियो। हम नहीं के जाम से तो सब जना का लेके जाम से गारंटी पर सब जना जाइए, क्योंकि सिर्फ बोलता शुभम सूर्या और प्रियांशु प्रिंस नहीं है, बोलता सब लोग हैं। लेकिन पवन सिंह को मतलब नहीं रहते इन सब चीजों से। पवन सिंह सोचते क्या किसी का घर तबाह करें। पवन सिंह दिल का राजा आदमी है, पवन सिंह बने खातिर 7 पुस्तो ताने लोग जन्म ले लेते, तो पवन सिंह जैसा ना बन भी बोलो, इतना गारंटी ले लीजिए। हाँ चलिए मुद्दे पे आते हैं, टॉपिक पे आते हैं कि ज्योति भाभी का एक और इंटरव्यू आया है। ज्योति भाभी का मैंने कई बार इनसे रिक्वेस्ट किया, अनुरोध किया है कि भाभी मत बोला करिए सोशल मीडिया पर, पवन सिंह से ज़्यादा आपकी इज्जत धूमिल होती है। मैं बार बार समझाते आया हूँ, कितने अच्छे से अपनी बातों को मैंने रखा कि भाभी मत बोला करिए, आपका ज़्यादा इज्जत धूमिल होता है, पवन सिंह का तो कम होता है, ज़्यादा आपका होता है। आप सोशल मीडिया पर आकर कोई चीज़ बोल देती हैं, यूट्यूब पर आकर। अभी बीमारी वाला बात इन्होंने बोला है, बीमारी वाला पूरा वायरल हो गया। पवन सिंह को कौन सी बीमारी है भैया, हमको ही बताइए, हमको बताइए, कोई बीमारी नहीं है, सब फालतू चीजें हैं, सब अफवाह है। अब कोनो टॉपिक तो मिलत बा ना कि कैसे उनको डिफेम करें, पवन सिंह को कैसे नीचा दिखाए। तो बीमारी है लो ना, एगो नए शुरू हो गए, कौन बीमारी बहन करा। किसी इंसान को बीमारी रहेगा तो उसे चमकेगा दमकेगा, किसी इंसान को बीमारी होगा तो वैसे चमकेगा एकदम, चेहरे पर शाइनिंग होगा, दूर से देखने में लगेगा हाँ भाई कोई आ रहा है। आपको कुछ नहीं मिला तो मतलब बीमारी है, बाह अरे बाह, कुछ भी मतलब कुछ भी। और रही बात, आप जो इल्जाम लगा रहे हैं कि पवन सिंह ने भी तो मुझ पे इल्जाम लगाया है कि मेरे कैरेक्टर पे उंगली उठाया है, ये वो दिस दैट, तो पवन सिंह अगर कुछ भी बोले तो वो जाके कोर्ट में पेशी दे रहे हैं। ये नहीं कि किसी का माइक बुला के किसी का माइक पे सारा बक 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 उल्टी कर दें, नहीं। पवन सिंह कानून व्यवस्था के साथ चल रहे हैं, उन्होंने अपना जबान खोला भी है तो जाके कोर्ट में जज के सामने खोला है। आपके जैसा नहीं कि माइक ले लिए, चाहे माइक बुलवा लिया, माइक के सामने भग 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 सब बोल दिए। इस चीज से दूर हटिए प्लीज, मैं आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। सोशल मीडिया पर अच्छा यही पवन सिंह है ना, कुछ दिन पहले बोलते थे कि आप मेरे बारे में बोले, वो मेरे बारे में, मैं उनके बारे में बोलूँ, वो मेरे बारे में बोले, इससे एक दूसरे की छवि खराब होती है, और सही बात है। लेकिन आप लोगों ने तंग कर दिया उस इंसान को, बोल बोल के खोद खोद के हैं, तो बोलबे करेगा भाई सर। वो भी उन्होंने बोला भी है तो वो जज के सामने बोला, जज साहब के सामने बोला, आपकी भी गवाही है, आप अपनी गवाही दीजिएगा, बोलिएगा। बाकी अब आपकी मर्जी, अब हम क्या ही कह सकते हैं। और हाँ, ये जो हमजा जी हैं, बहुत आप दूसरों का ग्रहण लगा रहे हैं ना, कूद कूद के माइक लेकर, बड़ा मजा आ रहा है दूसरों का मजा लेने में, बड़ा मजा होता है दूसरे का मजा लेने में, कूद कूद के आए है तो और दिले बनी सर, टेंशन मत लो, तो और दिन नहीं आ रहा बा। करो उड़ो बेटा, जितना उड़ेगा उड़िए, ठीक है। हम भी इंतजार कर रहे, देखते हम भी आगे का प्रोसेस का वेट कर रहे हैं, क्या क्या चीजें होती हैं हम लोगों के साथ, हम भी देख रहे हैं। बाकी कुछ नहीं, वीडियो शेयर करिएगा। बहुत बहुत नमस्कार।